हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वीर जी आदि और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल पे आने के लिए। और भाई आज मेरे हाथ नहीं हिल रहे हैं क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि कुछ भाई मेरे को बोल चुके हैं और कहीं और से भी मेरे को सूचना आ चुकी है कि तेरे हाथ बहुत ज़्यादा हिलते हैं, तो इसलिए कोशिश करूँगा कम हिले, नॉनवेज मत लेके जाना। तो बात करते हैं पल्सर NS200 FI की कब आने वाली है बाइक। भाई ये जो बाइक है इसकी आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरे को पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस बाइक का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे। तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो दो बार आ चुकी है। अभी दूसरी जो लॉन्च डेट थी वो अभी अक्टूबर में इस बाइक को लॉन्च होना था, लेकिन ये नहीं हुई है। अब जो लॉन्च डेट इसकी आई है, गूगल पर सर्च करके भी आप देखते हो तो इस साल के एंड में इस बाइक को लॉन्च होने की कुछ सूचनाएँ आई है कि इस साल के एंड तक ये बाइक लॉन्च कर दी जाएगी। अगर आप एजेंसी में पूछते हो तो एजेंसी वाले भी इसके बारे में फिक्स नहीं बता पाते हैं कि भाई कब आखिर ये बाइक लॉन्च होगी। लेकिन मैं अपने ओपिनियन से, अपने जो मैंने नेट पे देखा है, काफ़ी देखा है कि कब कैसे क्या क्या वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि बाइक एग्जैक्टली कब लॉन्च होगी और इसकी जो प्राइस है प्राइस क्या रहने वाली है और इसमें इसके अलावा भी कुछ और अपग्रेड हो सकते हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो इसकी जो लॉन्च डेट है यार, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी तक, जैसे लॉन्च डेट इसकी एक जगह से दूसरी जगह सरकाई हुई है, तो अभी अक्टूबर लॉन्च ना होके इस साल के एंड में इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है, लेकिन भाई ये शायद ही हो सकती है दिसंबर के, मतलब दिसंबर के आसपास में। मेरे हिसाब से बाइक लॉन्च नहीं होगी दिसंबर के आसपास, ये बाइक लॉन्च होगी 2020 के स्टार्टिंग में या फिर 2020 के मिड तक, क्योंकि अभी BS6 इंजन आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टिवा में तो आ भी चुका है एक्टिवा 125 BS6, लेकिन अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ में BS6 इंजन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वजह से बजाज इसको थोड़ा वेट करवा रहा है, क्योंकि बजाज की एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बाइक है ये और वो इसके ऊपर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, तो ये एक रीज़न हो जाता है इसका, इसकी डेट सरकाने का। तो अब जैसे ही कंफर्म हो जाती है चीज़, तो मैं आपको एक फिर से वीडियो बना के बता दूंगा कि इसकी लॉन्च डेट एग्जैक्टली कब है, अगर बजाज के थ्रू इसकी कोई लॉन्च डेट आती है तो। लेकिन जहाँ तक ये बाइक 2020 के स्टार्टिंग में या मिड में बाइक इंडिया में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके साथ और भी क्या नए फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा FI वेरिएंट में ओनली, मिल सकता है भाई, कंफर्म नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी देखा है, मतलब YouTube वगैरह पे या फिर Google पे भी देखा है, मैंने बहुत वेबसाइटों पे देखा है, उस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें आपको FI वेरिएंट में डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, उसके अलावा इसमें आपको LED हेडलाइट भी देखने को मिल सकती है भाई, बिल्कुल कन्फर्म लेके मत चलना कि मिलेगी ही मिलेगी, मैं जो मैंने देखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, फिर बोल रहा हूँ। और अब इसकी अगर प्राइस की बात करते हैं तो भाई एक्सोरूम प्राइस इसकी क्या निकल के आएगी, इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है वो लगभग 1.15 लाख से 1.24 लाख तक हो सकती है, मतलब इस प्राइस रेंज के आसपास या इसके बीच में इसकी प्राइस रहेगी, और ये बहुत ही बेटर प्राइस है इतने, मतलब इस सेगमेंट के लिए। 200cc की बाइक है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, उसके अलावा आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, FI मिलेगा, उसके साथ इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1.16 से या फिर 1.15 से स्टार्ट हो गया, 1.24 के आसपास तक इसकी एक्सोर प्राइस जाएगी। यार बहुत ही बेटर ऑप्शन है और बहुत ही अच्छी चॉइस ये बाइक बनेगी उस टाइम, अब भी यार सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी सबकी अपनी एक पसंद होती है यार, देखो कमेंट करते कुछ भाई कि भाई अपाची बेस्ट है, पल्सर बेस्ट है या फिर कुछ और बेस्ट है। देखो यार एक एक थिंकिंग होती है कि यार 6-7 कंपनियां मार्केट में चल रही है, तो हर एक बंदे की सोच थोड़ी सी अलग होती है कि उसको क्या अपने हिसाब से अच्छा लगता है बाइक में। सारी बाइक बेस्ट होती है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पर्पज़ के हिसाब से, तो आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस पर्पज़ के लिए बाइक चाहिए, तो आप उस पर्पज़ के लिए बाइक देखते हो तो आपको वो बाइक अच्छी लगती है, कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए बाइक देखता है। तो यार ऐसे कमेंट करके एक दूसरे को जज मत किया करो, थोड़ा सा बुरा लगता है मेरे को यार, क्योंकि मैं अब मेरे को समझ नहीं आता यार किस बंदे की साइड से मेरे को बोलना है, तो यार वहाँ पे मेरे को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि पल्सर और अपाचे के ऊपर तो खास तौर से बहुत ही ज़्यादा ऐसा देखने को मिला है मेरे को यार। तो इस वीडियो में भाई इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो समझ जाओ यार।